हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अभी मैं और कौशलेन भाई दोनों लोग साथ में आए हैं। तो इस समय हम लोग हैं किले के पास में। तो आज है 15 अगस्त, तो आप सभी लोग को सभी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज हमारा, जैसा आप लोग जानते हैं, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और पूरे भारत में जबरदस्त डेकोरेशन भी है हर एक प्रांत में, हर एक जिले में, हर एक गाँव में, हर एक शहर में, कि लोग इतना जुनून शायद अभी तक जितनी हम लोगों की ये दिखते हुए पहली बार देखा है। और सब इतने खुश हैं और ये दिवाली होली बाकी त्योहारों से भर के हर एक शुक्र हर एक चौराहे पे जो सजावट हुई है, लोग शामिल हो रहे हैं, लोग घरों में बाहर निकल रहे हैं। बाकी सालों में आपने देखा होगा कि लोग घरों में रहते तो ये मानते थे कि 15 अगस्त है, छुट्टी का दिन है, कुछ नहीं काम है, घर पे रहते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, लोग खुल के इंजॉय कर रहे हैं और हम लोग भी उसी में शामिल हैं। आपको भी शामिल करना चाहते हैं जहाँ पे हम लोग हैं, क्योंकि जैसा कि कल हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि 15 अगस्त से पूरे प्रयागराज का दर्शन कराएंगे। कल कुछ कराया, आज कुछ कराएंगे, बाकी जो बचा रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा लगातार करते रहेंगे। वाह भाई वाह वाह वाह। गाइस आइए आपको दिखाते हैं संगम का कुछ नज़ारा, क्योंकि संगम पे भी डेकोरेट किया गया है और आज का तो मौसम एकदम लाजवाब है। बारिश का मौसम बन रहा है, बादल भी हैं थोड़े थोड़े। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। गाइस फाइनली अभी हम आ गए हैं संगम तट के किनारे। यहाँ भी आज काफी अच्छी देखते हैं कि बोट वगैरह पे बढ़िया फ्लैग वगैरह लगाया गया है, जो कि देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। कौशलेन भाई का मन यहाँ पे मोहित हो गया है पूरी तरह से। अब यहाँ से इनका जाने का मन नहीं कर रहा है, कुछ ज्यादा ये अट्रैक्टिव हो गए इस प्लेस से। तो आइए अब चलते हैं हम लोग वहाँ उस वाली बोट के पास। देखो भाई, अब हम लोग शूज उतार दिए हैं और अंदर नाव के सहारे हम लोग को जाना है उस वाली नाव पे। इस वाली नाव पे जाना था हमें। अब कौशलेन भाई तो चले जाएंगे, हम भी चल, हमें भी जाना है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, वाओ भाई, यही तो असली आनंद है। कौशलेन भाई सच में यार भाई, यस भाई 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 भाई, आओ इधर तो आ जाओ थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, वाह गाइस वाह, एकदम अद्भुत नज़ारा, काफ़ी मज़ा आ रहा है। कौशलेन भाई गाइस इधर देखो, ये यही तो असली सुख है। ये सामने आपको अरेल घाट, गाइस अभी आप देख सकते हैं हम इस बोट पे खड़े हुए हैं और ये काफ़ी हिल उल रही है। एक्चुअली में मज़ा आ रहा है, कौशलेन भाई हमारे अपना अलग ही आनंद ले रहे हैं। वाह यार, हवा काफ़ी मस्त कर ली है, ठंडी ठंडी, तो एकदम मस्त वाइब आ रही है आज। एक्चुअली में आज मज़ा आ गया आके। गाइस इस बोट को देखो आप, लहर के साथ बोट जंप कर रही है। ओ माय गॉड, स्टंटबाज आदमी भाई साहब, खतरनाक एकदम बंदा है। तो गाइस अभी हम लोग संगम तट पे चुनूरा खाने वाले हैं। फिर टाइम के बाद हम लोग संगम पे आए थे 15 अगस्त का वीडियो बनाने। यहाँ पे इतना अच्छा मौसम है, हम लोग यहीं पे बैठ गए हैं काफ़ी लगभग आधे घंटे से यहाँ पे बैठे हैं और 15-20 मिनट और रहेंगे। जब लाइट जल जाएगी तब यहाँ से जाएंगे। फिलहाल तब तक हम लोग चौक मेले का इंतजार करते हैं।
भाई साहब, हम लोग ने संगम पे काफ़ी टाइम तक दिया, काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, काफ़ी अच्छा लगा। गंगा के किनारे बैठ के मस्त लाई और चना खाए। अब हम यहाँ से निकलते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ और व्यू। भाई फाइनली अभी मैं और कौशलेंद्र भाई दोनों लोग आ गए हैं सांसद वाले ब्रिज पे। सांसद वाले ब्रिज के दोनों साइड लाइट लगाया गया है, देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ब्रिज के प्लेस बन चुका है इस समय। आइए मैं आपको बताता हूँ कि देखने में आपको भी काफ़ी अच्छी लगी। गाइस इस बार 15 अगस्त बहुत अलग तरीके से मनाया जा रहा है। इवन प्रयागराज में ही नहीं, पूरे देश में बहुत अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। भारत देश में बहुत सारे लोग एक्साइटेड है इस बार के 15 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए। प्रयागराज इससे पहले मैंने इतना खूबसूरत नहीं देखा था, जितना खूबसूरत लग रहा है। काफ़ी मस्त वाइब है यार, काफ़ी मस्त वाइब है यार। आपको भी देखने को सामने का एक कारण खूबसूरत है। ये देखिए गाइस, वहाँ से सन की लाइट आ रही है और नीचे हल्का हल्का सन की लाइट पड़ रही है। कैमरा में जस्टिस नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए तो सुभाष चौराहे के पास में यहाँ पे डीजल भाई मिल गए, ये भी आए हुए थे। दोनों की बात नहीं हुई थी, बस सडनली दोनों लोग मिल गए। चलते हैं, दोनों लोग साथ मिलके घूमते हैं सुभाष चौराहे और आपको भी दिखाते हैं मस्त मस्त यहाँ की रैलियाँ और चाँद की।